महिला को टू नहीं बताकर किए गए बर्बरता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने कलेक्टर को आवेदन दिया है। दुर्ग जिले के पुलगांव थाना अंतर्गत ग्राम करहीडी की एक महिला को टूनही बताकर बाबा जितेंद्र यादव नामक व्यक्ति के द्वारा जलते हुए कोयले एवं किल पर चलाया गया। उक्त महिला के रिश्तेदार भी शामिल यहां पर थे। ये मामला बहुत ही संवेदनशील है। आज की 21वीं सदी में इस तरह की घटना बहुत ही आश्चर्यजनक और निंदनीय है। जिस प्रकार उक्त महिला के रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ प्रताड़ना कर उसे टूनही बताकर उसके साथ इस तरह से जलते हुए कोयले एवं किल पर चलाना एक तरह की दरिंदगी है। महिला द्वारा थाने में अपने रिश्तेदार व उस बाबा के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कराया गया, जिसके बावजूद उन पर मामूली कार्रवाई कर छोड़ दिया। साथ ही उस महिला के साथ अंधविश्वास के नाम पर हुए इस अत्याचार को गंभीर अपराध की श्रेणी में लेते हुए अपराधियों पर कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने सरकार से इस बात पर बने कानून को संशोधित करते हुए और कठोर दंडनीय बनाया जाने की मांग की। अपराधियों पर कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने सरकार से इस पर बने कानून को संशोधित करते हुए और कठोर दंडनीय बनाया जाने की मांग की। इस बात की टेक और कठोर दंडनीय बनाया जाने की मांग की। इस संबंध में मीडिया को भाजपा की पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर ने प्रतिक्रिया दी। हम लोग महिला मोर्चा भाजपा की तरफ से हम लोग उस दर्ज जो हुआ है उसके लिए हम लोग सभी आए हैं। उस घटना का हम लोग निंदा करते हैं। करहीडी ग्राम करहीडी जो नगर निगम क्षेत्र में आता है और थाना रंची यहाँ फुलगांव है, उस बीच में आज जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं और उस यहाँ के जो मुख्यमंत्री और जो गृह मंत्री है उस कोई कुछ कार्यवाही नहीं कर रही है। वो महिला को कई बार प्रताड़ित किया गया है कोयले से खिले से और आज उसके मायके वाले लोग भी ज़बरदस्ती उनको लेके हॉस्पिटल में भर्ती किए हैं, किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं। शासन प्रशासन भी मतलब इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। कलेक्टर को भी हम लोग बोले हैं जो सख्त से सख्त जो अधिनियम में है उस पर सख्त कार्रवाई किया जाए, क्योंकि आज एक महिला के ऊपर हो रहा है, कल कोई दूसरे महिला के ऊपर होगा, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा हम उस महिला के साथ हैं। अभी हम लोग यदि हॉस्पिटल भी मिलने जाएंगे उन पर हम जरूर आगे कलेक्टर को और बोलेंगे कि सख्त कार्रवाई हो। एसपी से भी बात करेंगे कि इन पर बहुत कार्रवाई होना चाहिए। महिला थाना वालों को भी फोन करेंगे। यदि कहीं ना कहीं महिला थाना भी या महिला आयोग है, क्या आपको लगता है कि निष्क्रिय है? निष्क्रिय बिल्कुल निष्क्रिय है। कांग्रेस की सरकार है, दिनों दिन यहाँ अत्याचार बढ़ती जा रही है। एक महिला साधारण से महिला के ऊपर इतना बड़ा प्रताड़ना हो रही है तो बहुत गलत बात है। इसके हम सब महिला मोर्चा निंदा करते हैं। भारतीय जनता न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।